सीएम शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को ओंकारेश्वर पहुंचेंगे, जो यहां एकात्म धाम में बने 108 फीट ऊंची आचार्य शंकर की विशाल प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे और अद्वैत लोक का शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक के बाद अब ओंकारेश्वर में बन रहे एकात्म धाम का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 21 सितंबर को ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची बहुधातु से बनी एकात्मता की मूर्ति का अनावरण और अद्वैत लोक का शिलान्यास करेंगे। इस सनातन संस्कृति के संरक्षण और धार्मिक केंद्रों की देखरेख के संबंध में शिवराज सरकार का अहम कदम माना जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक लेकर तैयारियों का जायजा लिया और देश भर से पहुंचने वाले साधु संतों का विशेष स्वागत सत्कार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बताया जा रहा है कि इस मौके पर यहां कई धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा एकात्म धाम और अद्वैत युवा जागरण शिविर आधारित पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा। कल का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने सांस्कृतिक रूप से अपने देश को जोड़ने का काम किया। वेदों का सार वेदांत और उसको अद्वैत के रूप में उन्हें जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और सारी रचनाएं उन्होंने ऐसी की जैसे देश के चार कोनों में चार मठ और ये व्यवस्था भी की कि दक्षिण से पुजारी जाएंगे बद्री विशाल वहां पूजा करेंगे। ये जो भारत को एक रखने का काम किया सांस्कृतिक उसी के कारण भारत आज एक है। और उनको ज्ञान मिला, ज्ञान भूमि उनकी जन्मभूमि तो केरल थी, ज्ञान भूमि ओंकारेश्वर जहाँ उनको गुरु मिले। पैदल चल के आए थे 1600 किलोमीटर से ज्यादा उस समय बिहार जंगलों में किन परिस्थितियों में आए होंगे और यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके फिर काशी की तरफ वो आगे बढ़े। और पूरा देश जो एक तरह से सांस्कृतिक रूप से उस समय बिखराव की स्थिति में था पूरी तरह से इंटीग्रेट कर दिया, एक कर दिया। अब ऐसे आदिगुरु शंकराचार्य जी को जहाँ गुरु मिले वहाँ से ज्ञान की परंपरा समाप्त ना हो और आने वाली पीढ़ियों को भी ये अद्वैत का जो ज्ञान है वो मिलता रहे, जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा। स्वामी विवेकानंद जी हो, स्वामी रामतीर्थ हो, सब ने अलग अलग हमारे संतों ने अपनाया। यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने सियाराम में सत्य ज्ञान, कबीरदास जी ने साहब तेरी साहेबी हरगत कही समय, वो एक ही भाव एक ही चेतना सब में। तो उनकी न केवल दिव्य प्रतिमा लग रही है बल्कि एकात्म धाम हम वहां बनाने जा रहे हैं, का भी शिलान्यास होगा। और एकात्म धाम पूरी दुनिया को आज मोदी जी के नेतृत्व में आप देखेंगे वसुदेव कुटुंबकम, ये कोई अद्वैत का बात है, पूरी दुनिया एक परिवार है, कैसा अद्भुत वातावरण बना है। मेरा अपना विश्वास है कि आने वाले समय में दुनिया को यही हमारा एकात्म का अद्वैत का विचार बचाएगा और इसलिए वहां इस प्रकल्प को हम लोग बनाए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।